हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। जैसे कि आप जानते हैं, कल हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय आप कह सकते हो, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ये सब हमने पढ़ा था। भारत का तो दातली स्वरूप था, उसे हमने 5 भागों में बांटा। नंबर 1 पर हिमालय, नंबर 2 उत्तर भारत का मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 तटीय रेखा, और नंबर 5 पर थे आपके भारतीय द्वीप। इस दरातली स्वरूप में से सबसे पहले हमने हिमालय पर्वत को पढ़ा। हिमालय पर्वत में को 4 भागों में बांटा गया था। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम ट्रांस हिमालय, जो तिब्बती हिमालय कहलाता है। उसके बाद आपने जाना ग्रेट हिमालय, यानी कि महान हिमालय या मुख्य हिमालय भी आप कुछ कह सकते हो। उसके बाद आपने जाना लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। एक नवीन हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय, जिसे आप शिवालिक श्रेणी कहते हो। ये कल की क्लास में हमने जाना था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चे आपके लिए। देखिए, सबसे पहले था हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये क्या था? ये आपका दरातली स्वरूप का पहला भाग था। उसमें हमने जाना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा होता है? ट्रांस हिमालय होते हिमालय से प्राचीनतम हिमालय है, जिसमें लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर और कैलाश जैसी श्रेणियाँ या पर्वत श्रेणियाँ इसमें आती हैं, ट्रांस हिमालय में आती हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर विस्तार बच्चे तिब्बत में ही पाया जाता है, जो कि आज चीन के आप कह सकते हो अधीन है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ये सब आते हैं ट्रांस हिमालय में। इसे तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा इसका ज़्यादा विस्तार तिब्बत में पाया जाता है। बात करते हैं ग्रेट हिमालय की या मुख्य हिमालय की या वरद हिमालय की, तो सिंधु के मोड़ से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर तक की है और इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर पाई जाती है। इसमें जो उच्चतम चोटियाँ हैं, नंदा देवी, धौलागिरी, नंदा देवी 7816 मीटर है, धौलागिरी 8172 मीटर है। इसमें से नंदा देवी भारत में पड़ता है, जो पूर्णतः निर्विवादित चोटी भारत की है, लेकिन जो धौलागिरी है ये बच्चे आपका नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा 8772 मीटर, ये भी आपका नेपाल में है। एवरेस्ट 8848 मीटर, ये भी आपका नेपाल में है। मैकालू, ये भी आपका नेपाल के बॉर्डर पर है। और आप जानते हैं कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल दोनों में पाया जाता है, यानी कि देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर। ठीक है, ये कुछ श्रेणियाँ थी जो किसकी है, किसका भाग है? वरद हिमालय या ग्रेट हिमालय का। उसके बाद बात करते हैं मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की। लघु हिमालय में तिरपंजाल श्रेणी, धौलावर श्रेणी, यानी कि ये जो है ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और एक नाग पर्वत श्रृंखला ये पाई जाती है आपकी वरद हिमालय में ही। ठीक है, और ये देखिए, ये जो बाहरी हिस्सा है ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। आपने देखा कुन्नूल पर्वत श्रेणी, ये कहाँ है? सियाचिन के ऊपर जो श्रेणियाँ हैं उसे कुन्नूल की पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? जो चीन में स्थित है। और यहीं लद्दाख जो केटू पड़ता है हमारा, केटू पर्वत जो पीओके या पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें पड़ता है केटू, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। इसी के ऊपर की ओर पामीर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, आप कैसे तो पामीर पठार यहाँ से आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं भारत की कुछ अन्य चोटियाँ। ये आपका अरावली, ये विद्यांचल, ये सतपुड़ा, सतमाला श्रेणी, कलसुबाई। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी, मैं लिखता हूँ ठीक है, ये महादेव और ये मेकाले। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर दो दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। और एक दर्रा यहाँ पाया जाता है, ठीक है। और इस तट को कोंकण तट, ठीक है। और इसे मालाबार तट, और जो इसके अंदर का ये क्षेत्र है इसे सह्याद्री कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कौन से तट को सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है। ये दर्रा थाल घाट, ये दर्रा बोर घाट, और ये दर्रा पाल घाट। ये आपसे पूछा जाता है कि पाल घाट कहाँ पाया था मालाबार में, और बोर ताल घाट और बोर घाट कहाँ पाया था कोंकण में, और इस क्षेत्र को क्या कहता है सादरी, ठीक है, सादरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। सबसे दक्षिणतम चोटी है महेंद्रगिरी, और दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुलाई। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चे, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुलाई, लेकिन सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, दक्षिणतम, ठीक है। ये आपकी गारो, ये खासी, ये जांतिया, ठीक है। तो ये कुछ पहाड़ियां थी आपके भारत की जो दक्षिणतम भारत में है। उत्तर भारत की हम पहले जान चुके थे, उत्तर भारत में जो हमारा हिमालय से चार भागों में बांटा गया, ट्रांस ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब जानते हैं कुछ और पहाड़ियाँ जो हमारे भारत में छिटपुट पड़ी हुई हैं, जिसमें से अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश, और सतपुड़ा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। वहीं पर सतमाला कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कलसुबाई पर्वत श्रेणियाँ ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वहीं पर एक दर्रा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? थाल घाट, ठीक है। उसी के नीचे एक और दर्रा पाया जाता है जिसे बोर घाट कहा जाता है। इस तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। उसी के नीचे एक और तट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? मालाबार तट। और इसी के ढालदार जो समुद्र के सारे जो ढालदार क्षेत्र है या तटीय भाग है उसे सादरी कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? आपकी महेंद्रगिरी, लेकिन दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुलाई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के पास में जो पड़ता है ये है महादेव की चोटियाँ, और मेकालू जो चोटी है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों के आप कह सकते हो कि बॉर्डर बनाती हैं ये पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, और राजमहल की पहाड़ियाँ आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जानेंगे अगली क्लास में भारत के कुछ प्रमुख दर्रे, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।